तो हमारे लिए एक और नया रेजोनेंस आ रहा है, और वो है बहुत अच्छा रेजोनेंस इन डबल बॉन्ड वर्सेस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। हमें रेजोनेंस के लिए लोन पेयर चाहिए, लेकिन वो लोन पेयर किस में होना चाहिए? कॉन्जुगेशन में। अगर लोन पेयर किसी भी एटम के पास है और वो कॉन्जुगेशन में है, तो वो रेजोनेंस शो कर सकता है। तो पहला पॉइंट तो यही है, इफ लोन पेयर ऑफ एनी एटम आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशंस, इफ लोन पेयर ऑफ एनी एटम आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशंस, देन इट शो रेजोनेंस। तो वो रेजोनेंस शो करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए? एक तो लोन पेयर होना चाहिए, बस एक ही चाहिए, दो तीन की जरूरत नहीं है। तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए ऑफ रेजोनेंस? लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट। बस। सेकेंड कंडीशन ऑफ अबव रेजोनेंस लिखना है आपको। दूसरा, डोनर टेंडेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना? यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम शुड बी लेस। तो डोनर टेंडेंसी कम होनी चाहिए, वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए जिससे डोनर टेंडेंसी ज्यादा हो सके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम शुड बी लेस। यानी इफ रेजोनेंस आपको किस में ज्यादा दिखेगा, रेजोनेंस इफेक्ट किस में ज्यादा दिखेगा, तो हेडिंग क्या रहेगा इसमें? ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट किस में ज्यादा दिखेगा? नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं? एक। ऑक्सीजन के पास दो। फ्लोरीन के पास कितने हैं? तीन है, लेकिन हमें एक चाहिए। आपके पास कितने हैं उससे मतलब नहीं है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर एक दो तीन, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आप जानते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3.0, 3.5, और फ्लोरीन की है 4.0। तो ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये डोमिनेटिंग इफेक्ट है, डोमिनेटिंग यानी यही डिसाइड करेगा आपके पास। बस ये इतना सा होना चाहिए कि इसके पास लोन पेयर हो। अगर लोन पेयर ही नहीं है तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के मुझे तो एक चीज समझ में आ रही है कि लोन पेयर होना चाहिए, और जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है इनमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, देने की टेंडेंसी उल्टी कम हो रही है। समझ में आ रहा है? तो रेजोनेंस इफेक्ट आपको कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा? नाइट्रोजन में। तो मैं नाइट्रोजन का ही एग्जाम्पल पहले लेने की कोशिश करता हूँ, शुरू करूं। तो नाइट्रोजन का मतलब हो क्या गया एक तरह से? कार्बन माइनस। पक्का? तो कार्बन माइनस और एन कि मैं किसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? कार्बन माइनस की। एग्जाम्पल, तो कार्बन माइनस की देने की टेंडेंसी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। बिकॉज नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उसकी तो कार्बन की तो और भी कम होगी माइनस, और माइनस होने की वजह से और कम हो जाएगी। बिकॉज नेगेटिव चार्ज इजीली डिस्ट्रीब्यूट, इजीली डिस्ट्रीब्यूट, तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी लोन पेयर देने की या नेगेटिव चार्ज को कम करने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो
ये आपके पास एक और फैक्टर आपका इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं है। तो कार्बन माइनस और नाइट्रोजन में क्या अंतर है, दोनों में सेम लोन पेयर है, सेम सेम बॉन्ड पेयर है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, कार्बन माइनस की तो और कम हो गई, समझ में आ रहा है, तो उसकी देने की टेंडेंसी और ज्यादा होगी, समझ में आ रही है कहानी। अच्छा नाइट्रोजन इन दोनों में कौन ज्यादा है, दोनों पे माइनस माइनस लगा दो और नाइट्रोजन भी ले लो, सबसे ज्यादा यहां ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर टू डोनेट लोन पेयर, इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसके पास लोन पेयर कितने हैं, एक, इसके पास कितने हैं दो, इसके पास कितने हैं एक, तो कितने लोन पेयर है उससे कोई फर्क नहीं है, बस एक होना चाहिए। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.0, नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी, और कार्बन की तो पहले ही कम होती है तो और ज्यादा कम होगी, इज दैट क्लियर। तो कार्बन माइनस की सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन माइनस की, फिर नाइट्रोजन की, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, क्लियर है। तीसरा एग्जाम्पल, एन और ओ माइनस में कौन ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ, रेजोनेंस ऑर्डर किस में ज्यादा होगा, न्यूट्रल के कंपेयर में एनायन को हमेशा ज्यादा ही लेंगे, समझ में आ रही है बात, न्यूट्रल के कंपेयर में एनमाइनस को हमेशा ज्यादा लेंगे, लिख लो ये भी, एज कंपेयर न्यूट्रल एनायन ऑलवेज इजीली डोनेट, डोनेट लोन पेयर। तो इस हिसाब से एक और एग्जाम्पल आपके पास आ रहा है, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं ओ और एफ माइनस, तो कौन ज्यादा आएगा, एफ माइनस, सेम रीजन। हाँ एक और एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एन माइनस एन ओ, ओ माइनस एफ, एफ माइनस, तो कैसे सोचेंगे अब आप, और सी माइनस भी है, सबके पास लोन पेयर है श्योर, तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, सी माइनस की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, लोन पेयर देन और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को पहले ही आएंगे, और उसमें सी माइनस, फिर आएगा एन माइनस, फिर आएगा ओ माइनस, फिर आएगा एफ माइनस, फिर आएगा अब न्यूट्रल आएंगे, एनायन वाले पहले लिख लो, फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल में कौन आएगा, नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर क्लियर है, एनायन की हमेशा न्यूट्रल से ज्यादा होती है, और एनायन की एनायन से कंपेयर करना हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लीजिएगा, या न्यूट्रल की न्यूट्रल से कंपेयर करना हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई डाउट, तो ये ऑर्डर होगा। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रेजोनेंस किसमें ज्यादा इफेक्टिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो ये रेजोनेंस हो कैसे रहा है इसको और अच्छे से समझते हैं, देखिएगा ये रेजोनेंस हो इस तरह से रहा है, ये मैंने मान लिया NH2 और इसके पास लोन पेयर है, श्योर है, अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो वो कहां रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये हमारे को एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा, इसके बाद लिख लेंगे। तो इसको कैसे देखोगे आप, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई बॉन्ड क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट दोनों, तो इसने क्या करा, NH2 को देखा कि सामने इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस वाले ऑर्बिटल को तो बना दिया खाली और इस वाले को बना दिया भरा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर दिए।
तो ये वाला पॉइंट क्या बना दिया उसने, डेफिशिएंट, और ये क्या बना दिया है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो जैसे ये डेफिशिएंट बना, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी ये बन गई, यहां इसने अपना लोन पेयर यहां दिया और ये बन गया, और ये हमारे पास माइनस है और ये हमारे पास अब प्लस है, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुआ है। तो आप ही बताइए कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया तो वो क्या बन गया, नाइट्रोजन प्लस, कोई डाउट नहीं है, श्योर, लॉक कर दें, तो वो क्या बन गया, नाइट्रोजन प्लस, हाँ या ना। तो ये रहा इस पॉइंट का एक बहुत अच्छा, नाइट्रोजन पे प्लस। लेकिन दूसरी तरफ अगर नाइट्रोजन पे माइनस होता तो क्या रेजोनेंस होता, नाइट्रोजन में माइनस होते वो ऑक्सीजन हो चुका है, और ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, दो, तो एक ये रही, एक ये रही है, और माइनस चार्ज भी है, सही है। तो अब अंतर क्या हो रहा है, अब ये है, अब इसको पहले फील करिए कि यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितने होंगे, दो, क्योंकि वो ऑक्सीजन बन चुका है। तो जब ये ऑक्सीजन बन चुका है तो इसके पास दो लोन पेयर है, तो इसको आप कैसे लिखना पसंद करेंगे, मैं तो इसको ऐसे लिखता, नाइट्रोजन है, तेरे पास एक लोन पेयर एटॉमिक ऑर्बिटल में रख ले, खुश हो जा, क्योंकि एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड पहले करेगा, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा छोटा सा है पीछे की तरफ, तो ये हमारे लिए हाइब्रिड है, हाइब्रिड को पूरा बड़ा नहीं बनाता मैं, ठीक है, लोन पेयर आ गया। कई बार तो मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे ही बता देता हूं, बस, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक हाइड्रोजन भी है उसके पास। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको मैं इस कलर से बना रहा हूं, और ये हमारे पास हाइड्रोजन। अब एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, तो यहां पर ये बॉन्ड बन चुका है, इसके पास ये बॉन्ड पेयर है, इसके पास दो लोन पेयर है। तब जब कार्बन के पास दो लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाया जाए, माइनस। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे सर इस कार्बन की चार वैलेंसी होनी चाहिए, एक दो तीन, हाँ है, ये चार, इसकी भी चार होनी चाहिए, ये लो, ये है इसका मॉलिकुलर डायग्राम, बोलो यस और नो। तो अब क्या होगा, अब ये वाला हम ऐसे बोलते हैं वैसे तो, कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसी के ऊपर ऐसे एरो बना देते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आ रहा है। चलिए ये बनाया आपने, ये इधर आया, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहां NH, अब जैसे इसने लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पहले से ही था तो अब ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, और ये इस तरफ आ गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी डॉटेड 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 NH, सही है, कभी माइनस यहां था कभी माइनस यहां रहेगा, जबकि इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगी, डॉटेड 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 NH2 माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, नाइट्रोजन लोन पेयर देने की वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज डेंसिटी आएगी। एक बार और समझाना है, एनी बडी, एनी डाउट, एनी एनी वन। तो क्या आपको यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने या हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, इसने दिया है देखो यहां न्यूट्रल था तो ओवरऑल ये कंपाउंड भी न्यूट्रल रहेगा, यहां नेगेटिव चार्ज था तो ओवरऑल ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यूट्रल नहीं बन जाएगा, लेकिन तो यहां से अल्टरनेट पोजिशन यहाँ, यानी नेगेटिव अल्टरनेट पे ही जाएगा, जबकि यहां पर पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो ये यहां इस तरह से जा रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा एक बहुत बेसिक सा फंडा है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ज्यादा रेजोनेंस किस में होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज में, तो जहां रेजोनेंस ज्यादा होगा वहां रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी, इज दैट क्लियर। तो
तो हमने दो पॉइंट्स लिखने थे, एक तो ये कि ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज में। तो आप क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, एनएच माइनस शो मोर रेजोनेंस एज कंपेयर NH2 एंड मोर रेजोनेंस शो मोर रेजोनेंस एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ गए। सही है। सेकंड है चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी, ये हमेशा ध्यान रखना, चार्ज इज ए कंजर्वेशन क्वांटिटी। क्वांटिटी तो बच्चे बहुत सी बार भूल जाते हैं कि ये न्यूट्रल था, बाद में हाइब्रिड न्यूट्रल नहीं आ रहा, न्यूट्रल आना चाहिए, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। माइनस चार्ज है तो ओवरऑल कंपाउंड में हाइब्रिड पे भी माइनस दिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। श्योर लॉक कर दें, दो पॉइंट हो गए। तीसरा, तो ये चीजें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। और क्या पॉइंट बन सकते हैं आपके पास यहां पर, मेन तो अपन ने लिख ही लिया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा शो कर रहा है ये हमने लिख लिया, और इस तरह से पक्का अच्छे से कोई डाउट नहीं है। और जो चार्ज क्रिएट होगा वो भी अल्टरनेट पोजीशन पे ही आएगा यहां पर भी, तो ये हमारे पास आ गया है। अब इसको लिखें, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ये हमारे पास है पायरोल एनएच और एक लोन पेयर है, इज दैट क्लियर। तो जब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेगा या हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एटॉमिक में, बिल्कुल सही बोला, दैट लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल, जिससे वो कॉन्जुगेशन में आ जाए। अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो वो एटॉमिक में रहेगा, और अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वो कहाँ रहेगा, हाइब्रिड में। समझ में आ रही है बात, तो ये आप बार बार लिख लीजिए पॉइंट्स को कॉन्जुगेशन में। तो यहां जब ये एटॉमिक में रहेगा तो इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, sp2। अब देखिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगी, ये वाला इस तरफ आएगा और साइमल्टेनियसली ये इस तरह चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये इस तरफ यहां और यहां पर क्या चार्ज मिलेगा, माइनस, और यहां क्या देखने को मिलेगा, प्लस। फिर ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जाएगा, तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरह की। माइनस दिस, और ये जो नाइट्रोजन है इस पे अभी भी प्लस है, और ये यहां अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये यहां, ये यहां, तो आपको जो देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये नाइट्रोजन यहां माइनस और यहां डबल बॉन्ड इधर आ चुका है, प्लस तो है ही नाइट्रोजन पे। अब ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो उससे आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगी रेजोनेटिंग वो आपको माइनस यहां, यहां नाइट्रोजन आ चुका है, प्लस। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये यहां और ये अभी यहीं चला जाएगा जहां से आया है।
तो ये आपका नाइट्रोजन, ये बिल्कुल अब न्यूट्रल हो गया, NH, NH तो है ही वो, शो करो या ना करो, इज दैट क्लियर? तो पायरोल पायरोल ही है। अब आप मेरे को बताइए कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, पांच, ये तो रिपीट हो गया। पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हाइब्रिड कौन सा होगा? हम ये बोल सकते हैं, लेकिन यहां माइनस वन नहीं लिख सकता क्योंकि ऑरल ये क्या है, न्यूट्रल है, तो अंतर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा प्लस डेल्टा वन, माइनस 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 माइनस, आप चाहो तो 2, 3, 4, 5 लिख सकते हो, सब में सेम रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब में सेम रहेगा, मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा यार कि ये पांचों में ठीक है, चार्ज की वजह से बनने वाली स्ट्रक्चर कौन सी थी, ये चार, चार्ज की वजह से। फिर दिमाग में आया कि सबसे ज्यादा क्या सभी सिमिलर स्टेबल है, नहीं। अब देखिए इसमें प्लस और माइनस बहुत दूर है, इसमें प्लस और माइनस पास है, तो जो पास है वो ज्यादा स्टेबल होंगे, प्लस माइनस दूर से तो अच्छा है, कोई दिक्कत आ रही है आपको? तो ये क्योंकि एक ही रेजोनेंस, वो एक ही एग्जांपल के अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा कौन ज्यादा रहेगा जिसकी वजह से चार्ज आ रहा है, वो ये और दूसरा ये बीच वाले साले, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे के क्या है, ज्यादा पास है। तो उस हिसाब से अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा डेल्टा टू मैग्नीट्यूड वाइज और डेल्टा थ्री बराबर होंगे, डेल्टा फाइव, डेल्टा टू और डेल्टा फाइव बराबर होंगे, और वो ज्यादा होंगे किससे, डेल्टा फोर और डेल्टा थ्री के, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो, और सबसे ज्यादा होगा डेल्टा वन, मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं हम, क्योंकि होगा तो यही चीज। और आप थोड़ा सा लेवल पे देखेंगे तो डेल्टा वन की वैल्यू होगी डेल्टा टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, जैसे मैग्नीट्यूड के अपन ने तो साइन बाहर वैसे ही लगाया, तो डेल्टा तो अपने आप में कोई इंटीजर वैल्यू है, तो मैग्नीट्यूड नहीं भी लगाओगे तो भी आपका आंसर यही रहेगा, हाँ या ना? बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इस पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ होगी, नाइट्रोजन एटम पे, और सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ होगी, नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन पे, इज दैट क्लियर? क्यों होगी, रीजन आपके सामने, क्या रीजन रहेगा, ये क्यों ज्यादा है, डेल्टा टू एंड फाइव इज हाई बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर क्लोज इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस स्ट्रक्चर। आप यहां पर भी लिख सकते हो ये रीजन, दे आर रिलेटिवली हाई स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल तो न्यूट्रल होता है, फिर उसके बाद ये दोनों होंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के ज्यादा पास है, समझ में आ रही है बात? तो अगर कोई ये पूछ रहा है तो इसका मतलब उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है रेजोनेंस में, हाँ या ना? तो आपको ये चीज समझ में आ गई, तो लिखिए इसको। अच्छा एक और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं साथ में, इसको बोलते हैं हम फ्यूरेन, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूरेन,
आप मुझे बताइए ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? दो। पार्टिसिपेट कितना कर सकता है? एक। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर एक इसमें करा दो एक इसमें करा दो? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मान लीजिए ये पी वाई से बना हुआ है या पी जेड से बना हुआ है, तो ये भी पी जेड से बनेगा और इसमें ये क्या रहेगा, एक पी जेड वाला होगा। तब ये किस में होगा? ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। तो एक दो और एक लोन पेयर के कारण हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा sp2। समझ में आ रहा है? तो दोनों लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप ये नहीं कि आप अपना दिमाग लगा लें सर एक किसके साथ कर दें एक किसके साथ कर दें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये भी एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है। तो जिस ऑर्बिटल में ये रहेगा उसी में ये रहेगा। ये पी जेड में है तो ये भी पी जेड में, ये पी वाई में है तो ये भी पी वाई में, ये पी एक्स में है तो ये भी पी एक्स में। कोई डाउट नहीं है, सेम प्लेन में होता है वो मूवमेंट, जिसकी वजह से। और जब ये दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम सेम प्लेन में हैं, तो ये भी उसको मजबूर करेगा कि तुझे अगर हमारे साथ रहना है तो हमारे वाले ऑर्बिटल में ही आना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो मजबूरी है इसकी वजह से इसका रेजोनेंस इस तरह से होगा, ऑक्सीजन 10, ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी होगा प्लस डेल्टा चार्ज भी होगा, और आप तो समझ ही गए होंगे 1, 2, 3, 4, 5 ये, और वही चीज फाइव आएगा यहां पर। क्लियर है? अच्छे से समझिए बात को। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया ये, हाँ Δ3 होगा, बिल्कुल सही बोला। और तो कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? यहां अगर हम कुछ भी अलग एग्जाम्पल ले लें, ये वाला एग्जाम्पल ले लें, नाइट्रोजन तो बताइए क्या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? पाई बॉन्ड की। तो लोन पेयर एज इट इज रह जाएगा और इसका हाइब्रिड जो बनेगा और फिर तो ये बहुत सही हो गया। तो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रीजन लिख लीजिए, लोन पेयर नॉट पार्टिसिपेट। इन हाइब्रिडाइजेशंस बिकॉज, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, लोन पेयर नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस बिकॉज पाई बॉन्ड प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। अब पाई बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो कई बार हमसे ये भी पूछा जा सकता है किस में लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा किस में नहीं करेगा, तो आपको देखना होगा इस तरफ भी। अच्छे समझ में आ गया ये? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या यहां करेगा, हाँ या ना? करेगा श्योर? तो कैसे करेगा? ये इस तरफ जाएगा ये इस तरफ जाएगा, तो इसकी वजह से यहां पर माइनस चार्ज आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा नाइट्रोजन NH2 आएगा, यहां प्लस आएगा। फिर उसके बाद
ये वाला इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, और यहां माइनस आएगा। फिर उसके बाद वापस बैक टू पेवेलियन पहुंच गया ये। तो कुल मिला के आपको कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रही है? फाइव। देयर आर फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देयर आर फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज दैट डॉटेड नाइट्रोजन NH2 डॉटेड। यहां माइनस डेल्टा आ रहा है, यहां माइनस डेल्टा आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां प्लस डेल्टा आ रहा है। बेटा ये और ये अलग है, इसमें यहां पाई बॉन्ड दिख रहा है जबकि उसमें वहां दिख रहा है। ध्यान से देखो, देयर आर फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हर जगह नाइट्रोजन में एक दो तीन जगह पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और दो जगह न्यूट्रल आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो यहां प्लस डेल्टा, बाकी सब जगह अल्टरनेट में माइनस आया। देखो यहां आया, यहां आया, यहां आया, कोई डाउट नहीं है। तो ये लिख सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, अगर इसकी जगह मैंने ये लिया होता, क्या लिया होता? इसको बोलते हैं पिरीडीन। क्या बोलते हैं इसको? पिरीडीन। इसको बोलेंगे हम, सॉरी, इसको हम बोलेंगे फिनोल। तो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर डायरेक्ट अगर हमसे कोई पूछ ले तो अब तो इतनी मेहनत हो गई कि हम आराम से बता सकते हैं ये OH फिनोल है। तो सही है, तो फिनोल है, तो हमारे पास ये पूरा घुमा दिया हमने। और यहां पर क्या चार्ज आ गया? प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, और ऑल ये न्यूट्रल रहेगा, कोई डाउट नहीं है, श्योर, लॉक कर दें। अल्टरनेट पे माइनस लगाया है और इसके ऊपर, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है, तो इसके ऊपर क्या रहेगा? प्लस डेल्टा, और ये सब मिलके न्यूट्रल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो इसका अगर कंपेयर करना चाहें अपन फिनोल का, पहले ये लिख लें आप, मेरे पास दो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एक है मेरे पास फिनोल, वापिस OH, और एक है मेरे पास फिनोक्साइड आयन O-। दो है मेरे पास, सही है। फिनोल और फिनोक्साइड आयन में अंतर क्या है? इसका हाइब्रिड अगर आप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, और OH, O पे प्लस डेल्टा और बाकी माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, ये इसका हाइब्रिड बनेगा। समझ में आ रहा है? जबकि इसके अंदर हाइब्रिड बनाएंगे तो जब ये लोन पेयर देगा, समझना, तो इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल में चेंज होगा, पॉजिटिव तो नहीं आएगा, श्योर। नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट होगा? न्यूट्रल में। तो ओवरऑल इसका जब हाइब्रिड बनेगा तो कभी तो नेगेटिव चार्ज है, कभी न्यूट्रल है, तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, ये इसका हाइब्रिड बनेगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो इसके हाइब्रिड में ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ रहा है? प्लस। और इसके हाइब्रिड में ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है? माइनस। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, किसमें ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है, इसमें या इसमें? इसमें मैंने पहले ही बताया था, नेगेटिव चार्ज वाले ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस देते हैं, पक्का। तो इफेक्टिव रेजोनेंस किसमें ज्यादा है? लेस, और इसमें क्या होगा? मोर।
मोर इफेक्टिव रेजोनेंस। क्योंकि इसके हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई में भी ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं आया है, और वैसे भी दो तरह से बोल सकते हैं अपन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है। नेगेटिव चार्ज ओ माइनस या ओ माइनस इज मोर इफेक्टिव देन न्यूट्रल, इस तरह से लिखें ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओ माइनस गिव्स मोर इफेक्टिव रेजोनेंस। रेजोनेंस एज कंपेयर ओ, ऐसे ही एन माइनस ज्यादा आसानी से देगा एन के कंपेयर में। आ रही है बात समझ में? तो इसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? लेस, और इसके अंदर क्या रहेगी? मोर। अगर ये बोर्ड में आता है क्वेश्चंस, तो आप बकायदा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी बनाएंगे और इसमें कहेंगे इसकी सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन में कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, इसके सब में आया, इसकी देने की टेंडेंसी कम है, इसकी देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। बोर्ड में तो तरीके से लिखना पड़ेगा, ट्वेल्थ क्लास में भी आ सकता है ये, क्योंकि फिनॉल ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक है, तो ये ज़्यादा अच्छा है पक्का। वहाँ नहीं बताऊँगा मैं, यहीं बता रहा हूँ, याद रखना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एवरीथिंग इज क्लियर? तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है एज कंपेयर टू फिनोल। तो फिनोक्साइड आयन इसीलिए ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस देगा फिनोल के कंपेयर में। हाँ या ना? तो ये हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट हो गया, लिखें इसको। फाइंड द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फाइंड द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑफ एक्स ई ओ सिक्स माइनस टू, समझ में आ रहा है? -4। तो अब आप देख लीजिए इनऑर्गेनिक के अंदर रेजोनेंस की अगर हम बात करें, तो हमारे पास ये जीनोन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ माइनस और ओ माइनस, यस और नो? तो क्या ये प्लेन, प्लेन में कौन है इस जगह? स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर है, प्लेन में कौन है? ये चारों है, यही रेजोनेंस देंगे, ऊपर और नीचे वाला नहीं देंगे। और हमेशा इस तरह के अंदर डबल बॉन्डेड सेम डायरेक्शन में आपके पास आ चुके हैं, सही है? तब आप खुद देख लीजिए कि यहां पर क्या होगा, कभी ये दो नेगेटिव इधर होंगे, कभी इधर होंगे, कभी इस तरफ होंगे, कभी इस तरफ होंगे, कभी ये होंगे और कभी इस तरफ होंगे। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर? सिक्स है, खत्म बात। तो आपके पास आंसर इस तरह से हो सकता है, देखिए ओ माइनस लेते जाओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, हाँ या ना? अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट? हमारे लिए जीनोन हमने क्या ले लिया, यहां पर भी आ गए, तो ये चार तो हो ही गए हमारे। ओ माइनस और ओ माइनस, तो टोटल कितनी हो गई? सिक्स। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर सिक्स।